हम लड़कियां भले ही मेकअप ना करें लेकिन लिपस्टिक लगाना बिल्कुल नहीं भूलते, है ना। और आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम लिपस्टिक लगाते हैं उसके बाद पूरे चेहरे का लुक ही बदल जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे जो लिप्स होते हैं ये हमारे पूरे फेस की ब्यूटी को एनहांस करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है, इसलिए इसका खास ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम अपने पूरे फेस का ख्याल रख लेते हैं लेकिन अपने लिप्स के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं है। सोचते हैं लिपस्टिक से तो कवर हो ही जाता है, यही सोचते हैं ना। लेकिन लिपस्टिक पर डिपेंडेंट होना सही बात नहीं है ना, क्योंकि कई बार लिप्स हमारे डार्क हो जाते हैं, उसमें पिगमेंटेशन आ जाते हैं, तो उसके लिए भी सोचना चाहिए, उसका भी केयर करना चाहिए। और हमारे पूरे बॉडी पर जितने भी स्किन है, पूरे बॉडी की जो स्किन होती है ना, उसके मुकाबले लिप्स की जो स्किन होती है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, नाजुक होती है। और जब भी हमारे फेस पर थोड़ी सी दाग आ जाती है, पिगमेंटेशन आ जाती है, स्पॉट्स आ जाते हैं, तो हम परेशान हो जाते हैं क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन लिप्स के बारे में सोचते ही नहीं है। ऐसा क्यों है भाई, अपने लिप्स के बारे में भी सोचिए। और आज मैं आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि अपने लिप्स की जो डार्कनेस है उसको हटाकर आप उसे पिंकिश टोन कैसे दे सकते हैं और साथ ही साथ लिप्स को सॉफ्ट स्मूथ कैसे बना सकते हैं। और ये जो डार्क स्पॉट्स बन जाते हैं लिप्स पर वो क्यों बनते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है, वो भी मैं बताऊँगी, इसलिए वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहे। तो रेमेडी कोर बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि लिप्स पर जो ये डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है। क्योंकि अगर आपको इसका रूट कॉज ही नहीं पता होगा कि कैसे ये बनते हैं, तो फिर आप जितना भी रेमेडी ट्राई कर लीजिए वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप रेमेडी ट्राई कर रहे हैं और साथ साथ वो चीज़ कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए अपने लिप्स के साथ, तो फिर कैसे वर्क करेगा रेमेडी, बताइए। तो इसलिए पहले इसका कारण जान लेते हैं, इसका सोल्यूशन जान लेते हैं, उसके बाद हम रेमेडी ट्राई करेंगे, ठीक है। तो पहला जो कारण है वो है सन एक्सपोजर, यानी सन की यूवी रेज जो होती है उसकी वजह से हमारे स्किन पर भी डार्क स्पॉट पिगमेंटेशन हो जाते हैं ना, और हमारे जो स्किन के लेयर्स है वो लिप्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मोटे होते हैं, फिर भी वहाँ पर डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, तो आप सोचिए कि हमारे लिप्स का क्या हालत होगा। तो सन एक्सपोजर की वजह से भी लिप्स पर डार्क स्पॉट्स बन जाते हैं, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, SPF वाले जो लिप बाम आते हैं ना उसका यूज़ कीजिए, इससे जो सन की यूवी रेज है वो आपके लिप्स को ज़्यादा हानि नहीं पहुंचा पाएगा। दूसरा जो कारण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हाइड्रेशन की कमी। हमारे बॉडी 70% वाटर से बने होते हैं, अब हमारे बॉडी को वाटर चाहिए लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जितना वाटर हमें कंज्यूम करना चाहिए उससे कम कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट भी हमारे स्किन पर दिखते हैं, जिसकी वजह से स्किन पर फाइनलेस रिंकल्स बन जाते हैं। सेम उसी तरह से हमारे लिप्स पर भी लाइनें बन जाते हैं, आपने देखा ही होगा कई बार लिपस्टिक लगाने के बाद लाइन बन जाते हैं जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगता है ना। तो हाइड्रेशन की कमी की वजह से होता है, इसलिए हमारे बॉडी को हमेशा हाइड्रेटेड रखना चाहिए। और इसके लिए क्या करना चाहिए, डेली लगभग 10 से 12 ग्लास पानी पीना चाहिए, ठीक है, स्पेशली समर और मानसून सीजन में, क्योंकि इस टाइम पे हमारे बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होता है पसीने के थ्रू। तो इसलिए इस टाइम पे आपको, सिर्फ इस टाइम पे नहीं, मतलब पूरे साल भर ही, साल के हर एक दिन आपको अच्छी तरह से अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखना चाहिए, 10 से 12 ग्लास पानी पीना चाहिए। थर्ड जो रीज़न है वो है खून की कमी। अगर आपको खून की कमी की बीमारी है या फिर आप लो BP है, तो उसकी वजह से भी लिप्स पर डार्कनेस आ जाती है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अपने डाइट में ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ऐड करें जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा हो, और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है इसकी तो आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। फोर्थ जो रीज़न है वो है स्मोक करना। स्मोक करने की वजह से भी लिप्स पर डार्कनेस आ जाते हैं। फिफ्थ रीज़न क्या है, चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स। कई बार हम सस्ते के चक्कर में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, चीप क्वालिटी के लिपस्टिक या फिर लिप केयर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसका यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, अच्छे ब्रांड के, अच्छे क्वालिटी के लिपस्टिक का यूज़ करें, लिप बाम, लिप केयर के जो प्रोडक्ट्स आते हैं उसका यूज़ करें, अच्छे क्वालिटी का, ठीक है। और इसके बाद और एक चीज़ है जो आपको नहीं करना चाहिए अपने लिप्स के साथ, वो है फेस पर जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, फेस क्रीम, स्क्रब, उसे अपने लिप्स पर यूज़ मत कीजिए, ठीक है। बस ये जो तरीका मैंने बताया, ये जो रीज़न मैंने बताया, इसका सोल्यूशन बताया, इसको फॉलो करते जाए और आज का जो रेमेडी है इसको अप्लाई करते जाए, तो आप देख पाएंगे आपके लिप्स की जो कंडीशन है, जो डार्कनेस है, वो धीरे धीरे लाइट होने लगेगा और लिप्स पर एक पिंकिश टोन भी आने लगेगा, ठीक है। तो रेमेडी की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं रेमेडी क्या है, कैसे तैयार करना है। रेमेडी को तैयार करने के लिए एक बोल में हम डाल देंगे 1 चम्मच लेमन जूस। लेमन यानी नींबू में होता है विटामिन सी, ये एक नेचुरल स्किन ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, जो लिप्स के डार्कनेस को दूर करता है और साथ ही साथ उसकी कलर को धीरे धीरे लाइट बनाता है। इसके बाद हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर एक बहुत अच्छा स्किन एक्सफोलिएटर है, ये लिप्स की जो डेड स्किन सेल्स लेयर है उसको हटाता है और साथ ही साथ डार्क स्पॉट्स को भी कम करता है। उसके बाद हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच
कोकोनट ऑयल यानी नारियल के तेल, फिर ऐड करेंगे एक चम्मच हनी यानी शहद। अब ये जो कोकोनट ऑयल और हनी है, इन दोनों में ही नरिशिंग प्रॉपर्टीज होता है जो क्या करता है, लिप्स की ड्राइनेस को दूर करता है और उसे सॉफ्ट स्मूथ सपल बनाता है। लास्ट में ऐड कर देंगे पिंच ऑफ टर्मरिक। टर्मरिक में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है। टर्मरिक डार्क स्पॉट्स को हटाने में बहुत ज़्यादा कारगर है, बहुत फ़ायदेमंद है ये। तो ये क्या करता है, ये लिप्स की जो डार्कनेस है उसको धीरे धीरे हटा देता है और उसका जो नेचुरल कलर है उसको उभर कर वापस लाता है, जिससे लिप्स दिखने में नेचुरली पिंक नज़र आते हैं। तो इन चीज़ों को डाल देने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेने के बाद हम एक छोटा सा ग्लास जार ले लेंगे और उसमें इस मिक्सचर को भरकर स्टोर कर लेंगे। आप भी कोशिश करें कि ग्लास के किसी चीज़ में इसे स्टोर करने की, क्योंकि उसमें ये ज़्यादा दिन तक अच्छा रहेगा। ठीक है, इस मिक्सचर को आप लगभग एक हफ्ते तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और डेली इसके यूज़ कर सकते हैं। अब क्या कहा है कि इसमें हमने डाला है कोकोनट ऑयल, तो फ्रिज में रखने की वजह से क्या होगा, कोकोनट ऑयल जम जाएगा। इसलिए जब भी आपको इसे यूज़ करना हो उससे कुछ मिनट पहले, मतलब जब यूज़ करना है उसके कुछ मिनट पहले से आप इसे फ्रिज में से बाहर निकाल कर रख दें। जब ये रूम टेम्परेचर में रहेगा तो कुछ देर के अंदर ही कोकोनट ऑयल मेल्ट हो जाएगा और तब आप इसको यूज़ कर पाएंगे। इसको यूज़ कैसे करना है, देखिए इसको यूज़ करने से पहले आपको क्या करना है, हल्का गुनगुना पानी ले लीजिए, गर्म पानी, और उसमें कॉटन बॉल या इस तरीके का जो कॉटन पैड आता है उसको उस पानी में डिप करें और फिर इसे अपने लिप्स पर कुछ मिनट के लिए, मिनट नहीं कहूँगी, 30 सेकंड to 1 मिनट के लिए लगा कर रखें। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, लिप्स के ऊपर की जो डेड स्किन सेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और सॉफ्ट हो जाने के बाद जब आप इस रेमेडी को अप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगा। तो इस तरीके से इस कॉटन पैड को हमने लगा कर रखा है लगभग 30 सेकंड to 1 मिनट तक। उसके बाद क्या करना है, इस रेमेडी को लेकर 30 सेकंड तक मसाज करना है अपने लिप्स के ऊपर अपने फिंगर की मदद से। मसाज करते जाए, मसाज करने के बाद इसे 2 से 3 मिनट तक अपने लिप्स पर ही रहने दे और उसके बाद वाइप अप कर ले। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी लिप बाम यूज़ कर सकते हैं, होममेड लिप बाम भी लगा सकते हैं आप, स्वीट आलमंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ जिसमें मॉइस्चराइजिंग गुण है उससे अपने लिप्स पर अप्लाई करना है। अब अपने पसंद के किसी भी चीज़ को लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर जो मेरा स्वीट आलमंड ऑयल है उसको यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि स्वीट आलमंड ऑयल लिप्स की डार्कनेस को दूर करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आप होममेड लिप बाम यूज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक लिप बाम की वीडियो बनाकर रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। और ये जो होममेड लिप बाम मैंने तैयार किया है ना, ये एकदम मार्केट वाले लिप बाम जैसा ही है और इसको आप महीनों तक स्टोर करके भी रख पाएंगे। फ्रिज में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, आप रूम टेम्परेचर में ही इसको स्टोर करके रख पाएंगे। एकदम मार्केट वाले लिप बाम जैसा है। इस वीडियो को आप देखिए और इस लिप बाम को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो इस रेमेडी को कैसे तैयार करना है, कैसे अप्लाई करना है वो तो आपने देख लिया है, लेकिन इसको कब कब लगाना है। पहले मैंने एक बार कहा है कि इसको आप डेली यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल डेली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डेली यूज़ करने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो फिर आप एक दिन गैप दे देकर भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब आज यूज़ किया तो कल नहीं किया, परसों किया, इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसको कंटिन्यू करते जाना है। अगर आप सोचते हैं कि 1-2 दिन यूज़ करने के बाद ही मुझे रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा तो ऐसा नहीं होगा, मैं आपको झूठी दिलासा नहीं दूंगी। ठीक है, आपको इसे कंटिन्यू करते जाना है। हर एक लोगों का अलग अलग प्रॉब्लम है, किसी के लिप्स ज़्यादा पिगमेंटेड है, ज़्यादा डार्कनेस है, किसी के लिप्स पर कम है, किसी के अपर लिप्स ज़्यादा डार्क है तो किसी के लोअर लिप्स, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए रिज़ल्ट भी अलग अलग टाइम पर ही देखने को मिलेगा। किसी को जल्दी रिज़ल्ट मिल जाएगा, किसी को थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन इसको कंटिन्यू करते जाना है। 1-2 दिन यूज़ करने के साथ साथ रिज़ल्ट मिल जाएगा ऐसा मैं आपको नहीं कहूँगी, क्योंकि नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें थोड़ा सा टाइम लेती है रिज़ल्ट देने में, लेकिन जो रिज़ल्ट देता है ना वो परमानेंट होता है और वो बहुत अच्छा होता है। कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है, ज़्यादा खर्च भी नहीं होता है, लेकिन रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है। बस आपको कंटिन्यू इसे करते जाना है। ठीक है, तो अब इसको कंटिन्यू करते जाए और इसका रिज़ल्ट आपको कैसा लगता है, मतलब कुछ दिन यूज़ करने के बाद आपको कैसा फ़ील होता है, मुझे कमेंट में आकर ज़रूर बताएं। और अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जिसको ज़रूरत है इस वीडियो का, उसके साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।